इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में हथियारों के गैर कानूनी इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए लाइसेंसी असलाहा डीलरों की यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIN जारी किया जाएगा। आर्म्स एक्ट 2016 के तहत डीलरों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। हथियार डीलरों और जिला पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी देने के लिए प्रदेश स्तरीय वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाएगा। डीजीपी सुरेश अरोड़ा खुद वर्कशॉप में जानकारी देंगे। स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर प्रबोध कुमार ने ये जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, पंजाब में जो गैर कानूनी तरीके से हथियार मिल रहे हैं, उनका कारोबार हो रहा है, उस पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। सरकार ने एक कदम बढ़ाया है पंजाब में हथियारों के गैर कानूनी इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए। लाइसेंसी असला डीलरों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाएगा। आर्म्स एक्ट 2016 के तहत डीलरों को UIN दिया जाएगा। हथियार डीलरों और जिला पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी देने के लिए वर्कशॉप का भी आयोजन होगा।